इंदौर पुलिस भी अब महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रही है। इसी के तहत विभाग ने एक नया प्रोग्राम करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंदौर के ग्वालटोली थाने पर एक महिला प्रधान आरक्षक सपना सोनसले को हेड मोहरार बनाया गया है। संभवतः ये देश की पहली HCM है, जिसे सामान्य भाषा में समझें तो दूसरी TI होता है। वो पूरी तरह से थाना प्रभारी की परछाई के जैसे ही काम करता है। थाना प्रभारी के सभी आदेश को अपने थाने के स्टाफ तक पहुंचाना हेड मोहरार का काम होता है। किसी महिला या पुरुष का ना सोचते हुए ये कि मेरी इच्छा को उन्होंने समझा कि हाँ मैं काम करने के लिए इच्छुक हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा और इसीलिए मैं भी आगे बढ़े और थोड़ा इस तरीके से हमारा काम हो चुका है। कितना समय लगा इस थाने के रिकॉर्ड और पूरा माल खानों को व्यवस्थित करने में, क्योंकि जो आपका रिकॉर्ड है वह व्यवस्थित है। DIG साहब ने भी शायद तक यहाँ पर एक आए थे, एडिशनल CP साहब आए थे। जी, एडिशनल CP साहब भी आए थे, उनको भी अच्छा लगा था। और अपने एडिशनल साहब राम सनेही साहब भी आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ की तारीफ करी थी कि अच्छा आप लोगों ने मेंटेन करा है। DIG साहब को भी अप्रिशिएट किया था। हमारी पूरी एक टीम थी सर, मतलब कम से कम 30 से 45 दिन हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है। वैसे तो देश में महिला थानेदार को छोड़कर अन्य थानों में महिला स्टाफ तो होती हैं, लेकिन वो थाने के अन्य सभी काम करती हैं, लेकिन उसे हेड मोहरार का काम कभी नहीं दिया गया है। ऐसे में इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाने में देश का पहला उदाहरण देते हुए महिला को हेड मोहरार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं के साथ ही उन्हें आरक्षण भी दे रहे हैं, लेकिन हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में पुलिस में पहली बार थाने की जवाबदारी एक पुलिस कर्मी को दी गई है। और ऐसा बताया जाता है कि ACM जो थाने पर एक अहम पद रहता है, यह उस महिला को बनाया गया है। हमारे साथ एडिशनल DCP मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, किस तरह से यह महिला को पद दिया गया है और कितने सालों बाद इस तरह की भूमिका बनेगी? सपना सोनसले मैडम है जिनको SCM का दायित्व सौंपा गया था ना छोटी ग्वालटोली में, और उसके बड़े अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं। देखने में ही आया हुआ है कि पूरे थाने का रख रखाव, साफ सफाई और फाइल मैनेजमेंट बड़ा व्यवस्थित तरीके से हो गया है, और सभी लोग भी इस तरफ सहयोग कर रहे हैं। और यही देखा गया है कि 2 महीने में बड़ा कायाकल्प हो गया है थाने का। आमतौर पर जब महिला ACM रहती है तो किस किस तरह के काम करना पड़ते हैं? चूंकि एक पुरुष को थाने में 24 घंटे का यदि ACM रहता है तो 24 घंटे वो ड्यूटी दे सकता है, एक महिला अधिकारी क्या ये कर पाए? नहीं, महिला अधिकारी और पुरुष अधिकारी सभी के दायित्व एक समान है, सभी को एक समान समय देना पड़ता है थाने में। चूँकि सपना सोनसले जो हैं वो बड़े इनोवेटिव कार्य करती हैं और लगभग काफ़ी लंबे समय से थाने पदस्थ हैं, थाने की बहुत सारी कार्रवाइयों के बारे में सजग भी हैं और जानकारी भी रखती हैं, इसलिए उनको ये दायित्व सौंपा गया है। और उनके दायित्व सौंपने में मालखाना बहुत व्यवस्थित हो गया है, फाइल जो मैनेजमेंट था वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हो गया है, वरिष्ठ कार्यालय को जो पत्राचार होना है, समय पर जो जानकारियाँ भेजी जानी है वो समय पर जाने लगी हैं। तो एक ऐसा देखने में आया हुआ है कि सजग अधिकारी को ये दायित्व सौंपा गया है तो उससे एक अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। थाने में किस तरह की इनकी भूमिका रहती है जो महिला अधिकारी को इस तरह की दायित्व? थाने की भूमिका में देखने में आया हुआ कि SCM जो रहता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पद रहता है, और सारे कार्य थाने का संचालन SCM के माध्यम से ही होता है। जो भी दिशा निर्देश पहुंचते हैं वो सबसे पहले SCM के पास ही पहुंचते हैं और वही इसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये देखने में ये आया हुआ है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो रही है, समय पर सारी जानकारियां तैयार हो रही हैं, समय पर सारी जानकारियां मिल रही हैं, और सारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत प्रॉपर तरीके से संधारित हो रहा है। जो रजिस्टर हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं जो थाने में संधारित होते हैं, वो समय पर संधारित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से देखने में आ रहा है कि जो महिला SCM सपना सोनसले हैं उनका एक बड़ा अच्छा काम है, और इसी काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, और कोशिश यही रहेगी कि ऐसे जो अच्छे अधिकारी हैं उनको ये दायित्व सौंपा जाए। आने वाले दिनों में कई और जगहों पर इस तरह से जवाबदारियाँ सौंपी जा सकती है महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर? बिल्कुल, अभी बहुत सारी महिला महत्वपूर्ण पदों पर हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और फिर कोई अगर अपनी इच्छा जाहिर करती है महिला अधिकारी तो उनको दायित्व सौंपा जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ एडिशनल DCP, जिनका कहना है कि थाने में ACM का जो पद रहता है वो थाने की चाबी की तरह रहता है, यानी कि यदि क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो वरिष्ठ अधिकारी और थाने के बीच जो एक सामंजस्य का काम करती है वो ACM के द्वारा किया जाता है। और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण पद पर इंदौर में एक महिला लेडी को पदस्थ किया गया है, वह काबिले तारीफ काम कर रही है, और आने वाले दिनों में कई और थानों पर ऐसी ही महिला अधिकारियों को पदोन्नत किया जा सकता है। इंदौर से टीम ने भागपुर के लिए संदीप मिश्रा।